मंदिर जरूरी है, मंदिर जरूरी है। ये बड़े खास आदमी मिल गए हमको अब तक। रोजगार चाहिए, मंदिर चाहिए, महिला सुरक्षा चाहिए, मंदिर चाहिए, भ्रष्टाचार से राहत चाहिए या मंदिर चाहिए? मंदिर बनी है तो वहाँ रोजगार बहुत ज्यादा बढ़ गया है मंदिर की वजह से। सिर्फ अयोध्या की बात कर रहे हैं, 140 करोड़ जनता अयोध्या में। अगर अयोध्या की तरह सब जगह मंदिर बन जाए तो सब जगह रोजगार बढ़ जाएगा। तो साथियों, गोंडा के कलेक्ट्रेट परिसर के बाद बार एसोसिएशन में हम पहुंचे और अब उसके बाद यहाँ हम लाइब्रेरी में मौजूद हैं। तमाम अधिवक्ता यहाँ पर भी बैठे हैं क्योंकि ये उनका अड्डा है। हम इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ इस बार चुनावी माहौल है। दादा, फोन थोड़ी देर के लिए बंद कीजिए और बताइए इस बार कौन जीतने वाला है, क्या होंगे चुनावी मुद्दे? नहीं, गोंडा लोकसभा, कैसरगंज, गोंडा लोकसभा, कैसरगंज लोकसभा और ओवरऑल पूरे देश की? देखिए, जहाँ तक पूरे देश की बात है वो हमारे समझ से बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि सापा और कांग्रेस का गठबंधन जो इंडिया गठबंधन हुआ है इस पर किसी को लोगों को विश्वास नहीं है। फिर भी बीजेपी को अपने जो है घोषणा पत्र में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देना चाहिए और रेलवे में 60 साल से ऊपर के लोगों का जो है फिर से कंसेशन जो है बहाल करना चाहिए, करना चाहिए। मतलब आपकी अपनी ये राय है, ये कमी बीजेपी ने रखी है। आगे बढ़ते हैं, तब आप बताइए क्या इस बार चुनावी मुद्दा होगा, क्या रिजल्ट आएगा, कौन जीतने वाला है, क्या बीजेपी तीसरी बार या फिर कोई नई सरकार? कैसी सरकार? नहीं, जहां तक मेरा अंदाजा है बीजेपी सरकार ही तीसरी बार भी दो कार्यकाल बनाएगी। इनके पिछला कार्यकाल कैसा रहा, संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है, ठीक। काम बढ़िया किया, विकास हुआ? हाँ, विकास हुआ। चलिए, विकास हुआ। और लोगों से भी जान लेते हैं क्या कहेंगे इस बार। जी सर, अभी और आपके अधिवक्ता साथियों ने कहा बीजेपी जीतने वाली है, काम बेहतर है, विकास किया, आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि बीजेपी बेहतर है और फिर तीसरी बार बीजेपी सरकार बनेगी। तीसरी बार? हाँ। विपक्ष कह रहा है 400 हार। हाँ, 400 हार जाएगी, 400 पार जाएगी। विपक्ष कह रहा है 400 हार। अरे, वो कह रहे हैं, उनको कभी बस तो हमेशा कहता रहता है विपक्ष। बात सही है, आप बताइए बीजेपी जीतेगी। क्या काम ऐसा लगा बीजेपी का आपको जो आप तीसरी बार उनको लाना चाहते हैं? सबसे बड़ा तो यह है कि राम मंदिर बनवाए। हाँ, तो मंदिर पर जितनी भी पब्लिक है उसी में हम लोग भी हैं, तो मंदिर को देख करके सब लोग वोट करेंगे, मंदिर को देख कर। रोजगार जरूरी है, भ्रष्टाचार घटाना जरूरी है, महिलाओं की सुरक्षा जरूरी है या मंदिर मस्जिद जरूरी है? मंदिर जरूरी है, मंदिर, मंदिर जरूरी है। ये बड़े खास आदमी मिल गए हमको अब तक। रोजगार चाहिए, मंदिर चाहिए, महिला सुरक्षा चाहिए, मंदिर चाहिए, भ्रष्टाचार से राहत चाहिए या मंदिर चाहिए? मंदिर बनी है तो वहाँ रोजगार बहुत ज्यादा बढ़ गया है मंदिर की वजह से। सिर्फ अयोध्या की बात कर रहे हैं, 140 करोड़ जनता अयोध्या में। अगर अयोध्या की तरह सब जगह मंदिर बन जाए तो सब जगह रोजगार बढ़ जाएगा। राम मंदिर से वहाँ बना है तो हर जगह चाहते हैं उस तरह पर बनना, बिल्कुल होना चाहिए, इसीलिए भाजपा को लाना चाहते हैं। बिल्कुल, स्कूल स्कूल भी होनी चाहिए, स्कूल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, अगर मंदिर ही सब कुछ दे रहा है तो फिर स्कूलों को बंद करना चाहिए? नहीं, बंद तो नहीं करना चाहिए। फिर उसका क्या मतलब हुआ, किसका क्या मतलब? आप रोजगार मंदिर से दिला रहे हैं तो स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, क्या हुआ उसका मतलब? तो मंदिर के साथ साथ स्कूल भी बनना चाहिए। अब आए हैं आप पटरी पर, पहले आपने सिर्फ मंदिर की बात की। दादा, ठीक कह रहे हैं या आप? सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, जो पूछ रहे हैं सवाल आप। हाँ, आपका सवाल सही है। ये इनका कैसा जवाब है? इनका कथन गलत था। कथन गलत था जी। हाँ। ये मंदिर कह रहा है, मंदिर होनी चाहिए। अच्छा, मंदिर से सबको नहीं होता है। हाँ। युवा है, इनका ये कहना हर चीज होना चाहिए, उसके साथ शिक्षा भी होनी चाहिए, विकास भी होना चाहिए, हर चीज होना चाहिए। अब तक कैसा विकास रहा? विकास तो ठीक ही था, विकास ठीक था। तीसरी बार मोदी सरकार या फिर कोई नई सरकार? फिलहाल तो सिचुएशन के ऊपर आधारित है। सिचुएशन कैसी है? बहुत कम वक्त बचा है गोंडा के। अब सिचुएशन तो फिलहाल ठीक ही चल रही है, बढ़िया है। राजा भैया कैसा काम किया, श्रेया वर्मा या कीर्ति वर्धन सिंह? अरे, श्रेया वर्मा तो पिछले साल थी नहीं थी, राजा भैया थे। हाँ, उनका तो कार्य सही था। संतुष्ट है? हाँ। चलिए, संतुष्ट है। और साथी हमसे जान लेते हैं क्या कुछ कहेंगे भैया। सच्चिदानंद मिश्र, एडवोकेट, वाइस प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन। वाइस प्रेसिडेंट है, बिल्कुल आपके साथ बैठ जाते हैं। सुना बाकी लोगों ने क्या कहा, किसी ने रोजगार को महत्व दिया, किसी ने मंदिर को महत्व दिया, आप क्या सोचते हैं चुनाव किस पर होना चाहिए? देखिए, चुनाव में इस बार दो तीन मुद्दे जो है बहुत गहरे हुए हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है। प्रेजेंट टाइम में बेरोजगारी का आलम यह है कि जो है
नवयुवक जो है पलायन कर रहे हैं, प्रदेश कोई प्रदेश छोड़ रहा है, कोई देश छोड़ रहा है, कहीं ना कहीं जो है बेरोजगार की व्यवस्था जो है सब मौजूदा सरकार करने में असफल रही है और ये बहुत ही जो है निंदनीय है। असफल रही है मानते हैं? बिल्कुल असफल रही है। रोजगार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी असफल रही है, ये बात अलग है कि जो है धार्मिक मुद्दे पर और कुछ ऐसे जो है छोटे मोटे मुद्दों पर जो है अच्छा काम करने में उनको सफलता हासिल हुई है, लेकिन रोजगार एकदम से कोलैप्स रहा है। कोलैप्स रहा। अभी बगल में साथी बैठे हुए युवा हैं आपके, उन्होंने कहा हर जगह मंदिर बनना चाहिए, मंदिर से रोजगार मिल रहा है। नहीं नहीं, हम इस बात से सहमत नहीं है और हम ये देखिए हम चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बने तो वो इन मुद्दों पर जो है कम से कम रोजगार के मुद्दे पर जो है बहुत रोजगार शिक्षा। हर साल उनका वादा था 2 करोड़ नौकरियां, लगता है उन्होंने दी? नहीं बिल्कुल नहीं, ये सब कहने वाली बात है, ये चुनावी जुमले हैं और इसमें पूर्णतया जो है कहीं ना कहीं असफल। जुमला कहना बड़ा आम हो गया है कि चुनावी जुमला, ऐसे सरकारों को ऐसे भाषण देने चाहिए? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं देना चाहिए, उतना ही कहना चाहिए जितना हम कर पाए, जितना जो है समाज में जो है चरितार्थ कर सकें उतार सकें। तो जनता कैसे इस बात में आ जाती है जब पता है चुनावी जुमला है तो कैसे उस बात पर विश्वास कर वोट कर? अब ये तो जनता का भाई अपना काम है, जनता को अपने जो है दिल और दिमाग से अपने दिल पर हाथ रख के जो है हमेशा मतदान, चूँकि मतदान ही एक ऐसा दान है जो है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सबको जो है मिला है भारतीय संविधान का हक भी इससे मिलने वाला है। अब ये बताइए भाजपा कह रही है 400 पार, विपक्ष कह रहा है 400 हार, क्या लगता है इस पे? मैं नहीं ज्यादा नहीं कह पाऊंगा क्योंकि जो है एक तो जो है राजनीतिक स्थिति बहुत चरमरा गई है हिंदुस्तान की और प्रेजेंट टाइम में मीडिया भी जो है बहकावे में आकर कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों से साठगांठ करके वैसे ही जो है मीडिया की बात कर रहे हैं। बहुत सारी मीडिया चैनलों की बात करता हूँ, कहीं ना कहीं वो जो है अलायंस के खिलाफ या इसी बातें तमाम आई हैं। अब समीकरण के हिसाब से जैसा माहौल क्रिएट हो जाता है उसी आधार पर लोग वोट कर देते हैं, ऐसा नहीं माहौल क्रिएट हो जाता है। भैया आप बताइए जी, बताइए किस विषय पे बताएं? इसी विषय पे चुनावी, कौन सी पार्टी बाजी मारेगी इस बार? कहां से पूरे देश की बात करें, सरकार किसकी आ रही है? सरकार तो बीजेपी की आ रही है, उसमें तो दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। जितने वादे इन्होंने पिछले 2014 पूरे किए नहीं, उसमें तो ये पूर्णतया असफल रहे। असफल रहे, बिल्कुल असफल। तो फिर वोट किस पर करेंगे? असफल जो रहा उसी को लाना चाहते हैं। अब वोट चूंकि विपक्ष कोई सशक्त रह ही नहीं गया, सशक्त है ही नहीं, सशक्त विपक्ष नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। ऐसा चेहरा चाहते हैं? अरे चेहरा देखिए, जैसे मान लीजिए जब रेस होती है तो रेस में उससे बेहतर चाहिए, अब उससे बेहतर व्यक्तित्व, उससे बेहतर चरित्र, उससे बेहतर ऊर्जावान व्यक्ति अगर कोई आ जाए, मतलब भाजपा को लाना मजबूरी मानते हैं अपनी आप? नहीं, भाजपा में एक चेहरा है, कौन? माननीय नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी अब उसी के नाम का चेक सारे कार्यकर्ता भुना रहे निचले स्तर तक। अब आप समझिए हकीकत जो है, जैसे एक चेहरा है मोदी जी, चेहरे पर वोट कर रहे मोदी जी, जैसे मोदी जी के नाम पर भाजपा चल रही है। चलिए, तो मोदी जी के नाम पे 2014 का वोट दिया और जिताया, 19 का दिया और जिताया, 24 का भी देंगे जिताएंगे, तो यहाँ के गोंडा के जो सांसद है कैसा काम रहा उनका? अब चूंकि हमारा घर तो कैसरगंज में पड़ता है, वैसे गोंडा के सांसद चरण सिंह इस बार उनके बेटे मैदान में, करण भूषण सर सिंह, क्या लगता है जीते? एक निश्चित रूप से जीते हैं, उसमें कोई दो राय। अपने काम से, अपने विकास से, या मोदी जी के चेहरे? भाजपा के नाम पे, भाजपा के नाम, भाजपा के नाम पे, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पर। काम किया कि नहीं किया ब्रिजभूषण शरण सिंह? कार्यवाही तो हम लोग भाई नहीं बता पाएंगे, अगर किया होता तो जानकारी होती, लेकिन नहीं किया। अब मतलब आप जो खुलकर नहीं बोलना चाह रहे हैं? नहीं, खुलकर बोलना चाहते हैं, कोई ऐसा काम हम लोग जो है हम लोगों ने देखा नहीं। दबदबे में तो दबे नहीं हुए हैं? नहीं, दबदबा आप लोगों के लिए है, दबदबा उपदबा में हम लोग नहीं, हमारे लिए नहीं, हम खुलकर सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, हमने तो आपसे शुरू में भी कहा था, आपने पहले भी ली थी बाइट, तब भी मैंने कहा था, बहुत निष्पक्ष बोला था, जो भी चुनाव है भाजपा का माननीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर है, उनके व्यक्तित्व पर है। आप बताइए, आप वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ के, एक चेहरे पर वोट जिस तरह कह रहे हैं और दूसरी तरफ अपने लोकल जगह का विकास, तो ऐसे में विकास हो पाएगा? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जो है, जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट पा जाता है, हवा बह रही है, उसी का लाभ लेकर लोग जीतते रहे हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक गांव है, ग्राम करनीपुर, कलंदरपुर चौबे ग्राम सभा का वो हिस्सा है, आप चले जाइए, राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ गाँव है, राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए दुल्लापुर खालसा एक स्कूल है जो गलंदरपुर चौबे ग्राम में है, उस सड़क की आप स्थिति जाके देख लिए कितनी बदहाल स्थिति है। मतलब विकास नहीं हुआ, विकास के नाम पर जो है अब हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ। जनता ऐसी वोट देती रहे एक चेहरे पर तो उसमें नुकसान किसका? ये तो जनता को विचार करना चाहिए, जनता की जब आप बीमार है तो आप दवा खाएंगे कि नहीं खाएंगे, ये तो जनता का काम है भैया, कि बीमारी आपको है, आप दवा खाना चाहते हैं या मरना चाहते हैं, ये तो सोचनीय विषय है। तो जिस चीज की बीमारी है उसी चीज की दवा खाएंगे? अब बिल्कुल, जब दवा खाओगे तभी ठीक हो पाओगे। तो विकास जिसे कराना है वोट दूसरे चेहरे को देखकर दे रहे हैं, तो ये लग रहा है कि जिस चीज, जिस बीमारी जैसी थी दवा उसी की खाई?
नहीं खा पा रहे हैं, नहीं खा पा रहे हैं, चलिए नहीं खा पा रहे हैं, आगे चलते हैं। एक और साथी आगे जुड़े हैं बगल में, इनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। साहब आपको आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई इस जो हमारा आगामी लोकसभा चुनाव आने वाला है उसके लिए शुभकामनाएं पहले से आपको दे रहा हूं मैं। आने वाले समय में हमारी भाजपा सरकार फिर एक बार 400 नहीं 550 खाली नहीं करना है इनसे, क्योंकि हमारी भाजपा सरकार, चलिए अच्छी बात है। विकास कैसा रहा आपकी पार्टी का? विकास बहुत बढ़िया रहा, हर तरीके से हम लोग खुश हैं और पूरी तरीके से संपन्न है। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, हर साल दे रही है जनता। नौकरी क्या, रोजगार मिला ना लोगों को, अब रोजगार लोग लेकर पैसा लेकर खा जाए, काम नहीं कर, कितना वादा। अरे नौजवान युवक अगर बेरोजगार है तो अपनी वजह से, अपनी वजह से। हाँ, वैकेंसी 80% बेरोजगार है, जिसमें से 65% युवा। बेरोजगारी का मतलब क्या होता है भाई? जैसे कोई आदमी अगर दूध बेच रहा है तो बेरोजगार तो है नहीं, कोई भैंस पाल रहा हो बेरोजगार तो कहां नहीं निकल रही है। बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, फिर पेपर नहीं हो रहा है, रोजगार आप नहीं दे रहे हैं, तो इसको बच्चों को दोषी ठहराएंगे? नहीं, इसमें बच्चे दोषी नहीं है फिर, और इसमें सिस्टम गड़बड़ है। देखिए हर सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें माना कि जैसे सपोज करिए अगर मान ली 4 आदमी है, उसमें हर आदमी तो सही नहीं हो सकता, कोई ना कोई गलत हो सकता है। कौन गलत है? अब उसी की तो निगरानी की जा रही है, उसी के लिए तो सरकार हमारी काम कर रही है और कर क्या रही है। सबको देखिए दोस्त, सबको दंड दिया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, सबको पकड़ा जा रहा है, लेकिन फिर रुक नहीं रहा है मामला। सब रुक रहा है, तभी तो रुका हुआ है, भ्रष्टाचार कितना रुका हुआ है, पेपर लगातार लीक होते चले जा रहे हैं, आप कह रहे हैं मामला रुक रहा है, बताइए भैया। बिल्कुल ही नहीं ऐसा हो रहा है, कहीं कहीं एक आदमी इतने। अच्छा, विपक्ष कह रहा है, आपको कह रहा है 400 हार। मैं तो 450 कह रहा हूँ भैया। 450 कह रहे हैं जी, मतलब सामने कोई है ही नहीं। भविष्यवाणी मैं कर रहा हूँ, सामने कोई है ही नहीं, सामने कोई नहीं है, सिर्फ मुश्किल से 4-5 सीटें किसी को मिल सकती है, 4-5 सीटें किसी को मिल सकती है, क्या बात है। तो ये कुछ चुनावी माहौल इस वक्त गोंडा का है। हम इस वक्त लाइब्रेरी में है, तमाम अधिवक्ता समाज के लोग ये बैठे हुए हैं और कुछ सो भी रहे हैं। खैर, सोते हुए को नहीं उठाएंगे, लेकिन इनसे हम ये निवेदन करेंगे कि उठ जाए, 20 मई को गोंडा में मतदान है और ऐसी सरकार बनाए जो देश को बेहतरी की तरफ ले जा सके। कौन जीतेगा इस बार चाचा, नींद से उठकर बताएं। अरे भाई, जीतना तो ऊपर वाले के हाथ में है, नहीं जनता के हाथ में, जनता के हाथ में है। बगैर ऊपर वाले के कहे आशीर्वाद से, आशीर्वाद अलग है, लेकिन इस वक्त सब कुछ जनता की उंगलियों पर है, तो जनता के हाथ में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कौन जीतेगा, लेकिन परिस्थितियां बहुत ही गड़बड़। किसके लिए? मौजूदा सरकार जो कुछ कर रही है वो जनता के हित में कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। वो तो अगर हमने सब काम किया, नौकरियां तो कहने से थोड़े होगा, मंदिर बनवा दिया, पेपर लीक हो रहा है। सुनिए भाइयों एवं बहनों, किसान की आय दोगुनी हुआ है, दोगुना हुआ। गन्ने का रेट जो है वो उस समय 325 था, अब आज बढ़ करके कितना हो गया बोलिए ना महोदय जी, गन्ने का रेट कितना हो गया? बढ़ गया, बढ़ गया 25, 10, 35, 35 × 10 कितना होगा? 350, और 350 वो 325 मिला के कितना हुआ बोलिए? ज्यादा हुआ ना, और इस समय 375-72 रुपए गन्ने का रेट, तो किसान की आय दुगनी हो गई। किसान खुश है नहीं खुश है? है? किसान खुश है? किसान तो नहीं खुश है, बहल्ला सब चले जा रहे हैं, कैसे किसान को? अच्छा, बहल्ला चले जा रहे हैं, और का बहल्ला को भी बताया जा रहा है कि लोग छोड़ते हैं इसीलिए समस्या। अरे ऐसा है, लोग छोड़ते हैं क्या करेंगे उनका, तुम उनको जो है जो पाराश्रय देना चाहिए वो दे नहीं पा रहे। इस बार भाजपा आएगी नहीं आएगी ये बताइए? आए तो गी आएगी, आएगी इस इतने के बावजूद भी जीतेगी, आएगी इतने के बाद। कारण? कारण हम नहीं जानते, नहीं जानते। कीर्ति वर्धन सिंह या श्रेया वर्मा? ये तो नहीं बता पाएंगे, नहीं बताएंगे। बिल्कुल नहीं। चलिए कैसरगंज की बात कर लेते हैं, भगत राम मिश्रा या फिर करण भूषण सिंह? अब ये भी नहीं बताएंगे, ये भी नहीं बताएंगे। चलिए, अब जो भी बताएगा वो 4 जून बताएगा। जिस तरह से इन्होंने कहा ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जनता भी बहुत कुछ इसमें तय करने वाली है। चुनावी माहौल क्या होगा, मुद्दा क्या होगा, तीसरी बार कौन सरकार बनाएगा, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।